हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस। द प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और इसका पार्ट 3 के बारे में, और जानेंगे इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 13.1 का, क्लास 10th की मैथ्स की बुक का। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, कह रहा है एक मेडिकल कैप्सूल है जो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो सबसे पहले एक सिलेंडर की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सिलेंडर की शेप इस तरीके से होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे वैसे ड्रॉ करते चलो, क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया हमने। और इसके बाद और क्या बोला गया है, विद टू हेमिस्फेयर, मतलब इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, दो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को हिंदी में कहते हैं अर्धगोले। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, और ये फिगर आपकी बुक में भी दी गई है कुछ इस तरीके से। ठीक, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, जो इसके दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं, और ये फिगर दी हुई है 10.10 आपकी NCERT बुक के अंदर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, मतलब पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये पूरी कितनी दी हुई है, 14 मिलीमीटर। ओके, तो 14 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और जो डायमीटर है, डायमीटर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन को करना शुरू। ओके, तो क्वेश्चन को करना करते हैं स्टार्ट। तो आपको देखना है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस डेटा को हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दी हुई है हाइट ऑफ कैप्सूल। ओके, तो हाइट ऑफ कैप्सूल ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 14 मिलीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ कैप्सूल। डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें 5 मिलीमीटर। जब इसका डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कैप्सूल, इसे हिंदी में कहते हैं कैप्सूल की त्रिज्या, कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर, या आप इसे लिखना चाहो तो 2.5 मिलीमीटर भी लिखना चाहते हो। लेकिन हम पॉइंटों के झंझट में ना पढ़ें तो इससे बेटर है 5/2 ही इसको हम यूज़ करेंगे, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो है काफ़ी आसानी होगी इसको सोल्व करने में। अब देखिए इसकी रेडियस कितनी बनी, इसकी रेडियस बनी 2.5। ओके फ्रेंड्स, कितनी बनी 2.5। अब देखते हैं ये 2.5 कहाँ से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये 2.5 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब जब कोई सर्कल होता है, अगर किसी सर्कल में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी 2.5, क्योंकि रेडियस क्या होती है, आपस में बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो ये 2.5 कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना होगा 2.5। अब बिल्कुल इसी प्रकार ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 2.5, तो 2.5 ही कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो अगर हम बात करें ये सिलेंडर की हाइट के बारे में, तो सिलेंडर वाला जो पोर्शन है उसकी हाइट क्या होगी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है। ओके, तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए इसमें सिलेंडर की हाइट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, जो पूरी लेंथ है इसकी, पूरी लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर, तो 14 में से क्या माइनस कर देंगे 2.5, तो लेफ्ट वाला, और 2.5 राइट साइड वाला, ठीक है ना। तो 2 × 2.5 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इसको मिलीमीटर को यहाँ पे ना ही लिखो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको एग्ज़ाम में आपको लिखना मत यहाँ पे। तो 14 माइनस 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 5।
अब 14 में से 5 को माइनस करो, कितना बनेगा ये? ये बनेगा 9 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम डिनोट कर देते हैं किसी और नाम से, इसको हम लैट कर लेते हैं एच। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लैट कर लेते हैं एच। और जो रेडियस ऑफ कैप्सूल है, इसको हम मान लेते हैं आर, छोटी आर से हम इसको डिनोट कर देते हैं। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें क्या निकालना है इसका? सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो ध्यान दें सभी यहाँ पे। तो अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब इसमें देखो कौन कौन सी फिगर्स आ रही हैं। एक तो आ रही है इसमें सिलेंड्रिकल फिगर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh प्लस हाफ स्फीयर आ रहा है यहाँ पे, मतलब एक हेमिस्फीयर आ रहा है लेफ्ट वाली साइड में और एक हेमिस्फीयर आ रहा है इसका राइट वाली साइड में। तो हाफ और हाफ मिलके क्या हो गया? फुल। तो पूरे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πR2। ओके, तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन आ रही है 2πRh में और 4πR2 में। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 2πR, तो अंदर क्या बचा? H प्लस 2R। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी निकली थी इसमें? 2.5H। इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी कैलकुलेट हुई थी? 9। ये कितनी हुई थी? 9 मिलीमीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो अब देखें 22 की मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, तो कितना हो जाएगा ये? 44 अपॉन 7 इंटू में 2.5 ब्रैकेट 9 प्लस 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे अब किससे? 2 से, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 5। बोर्ड मास का रूल तो आप सभी ने पढ़ाई होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब देखिए इसमें आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। 22/7 इंटू में 2.5। अब देखिए पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। और 14 को काटो 7 से, कितनी बार कटेगा? 2 से। ओके, तो 44 इंटू, अब 2.5 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से, तो कितनी वैल्यू बनेगी ये? 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो 5 4 20 और 5 4 20 और 2 22 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम करा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी क्लास 10th की बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई देगा इस तरीके का, उसको प्रेस करना है। उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आपको प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे भी लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैं बच्चों को दे रहा हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं बच्चों को करा रहा हूँ, बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं, तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपका और इससे आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी ये 4 मार्क्स का। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझसे पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं छोड़ोगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्या इसमें इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। सबसे पहला आपका काम बनता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं उन सभी इंफॉर्मेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ने का। अगर आपने इंफॉर्मेशन पढ़ने में जल्दबाजी कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। देखिए, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, बोल रहा है एक टेंट है जो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो सबसे पहले बिना देरी करते हुए सबसे पहले एक सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करा हमने सिलेंडर, तो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके की इसकी शेप होती है, ये यहाँ तक होती है इसकी रेडियस और ये होती है इसकी हाइट। ठीक, देखिए, सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर क्या है, एक कोन लगा हुआ है। कोन मतलब एक शंकु लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसके ऊपर ये कोन लगा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द हाइट एंड डायमीटर, सबसे पहले क्या दी हुई है हाइट, उसके बाद क्या दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कौन से वाले हिस्से का, सिलेंडर वाले हिस्से का। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी थी हाइट की, तो पहली वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी हाइट की, उसके बाद क्या था डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 4। देखिए मैं एक एरो लगा के भी आपको बताता हूँ, तो हाइट कितनी है इसकी 2.1 और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4। तो देखो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1, तो ये वाली वैल्यू कितनी है इसकी 2.1। एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी है इसकी 2.1 और इसका डायमीटर कितना है 4, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 4। जब ये 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, तो ये वाली वैल्यू 2 मीटर। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। उसके बाद कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, कह रहा है इसके टॉप की स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कौन सी होती है ये वाली तिरछी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी दी हुई है 2.8 मीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट, कह रहा है इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़े की ज़रूरत होगी। तो एग्ज़ाम में कुछ भी बोले कि कपड़े की ज़रूरत होगी या इसे पैक करना है या इसे मेटल की शीट से बनाना है, तो उन सभी केसों में क्या लगता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया जाता है। ऊपर ऊपर कुछ भी करना हो, ठीक है ना, जो भी शेप दी हुई है उस शेप के ऊपर ऊपर कुछ भी करना हो, चाहे पेंट करना हो, कवर करना हो, उस पर कपड़ा चढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, उस केस में क्या निकलेगा हमारा, उस केस में हमें कैलकुलेट करना होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, कह रहा है इस टेंट को बनाने में जितना भी कपड़े की ज़रूरत होगी उसका रेट किसके 500 पर मीटर स्क्वायर की रेट से जो है उसका हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। कहने का साफ साफ मतलब पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद उसकी 500 से करनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले हम इसका करते हैं, इसका आंसर करना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो इसमें इंफॉर्मेशन हमको दी हुई हैं सारी इंफॉर्मेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले हमें दिया गया था डायमीटर, डायमीटर जिसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है और हिंदी में इसे व्यास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना दिया गया था ये 4 मीटर। उसके बाद डायमीटर अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसे क्या बना लेंगे, रेडियस, रेडियस को आर के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो 4/2, तो कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दी हुई थी हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या दिया हुआ था दोस्तों, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। ठीक है ना, कितनी दी हुई है ये 2.1 मीटर दी हुई है। और उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ था, स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई,
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है ना। कोई ये ना सोचे कि ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है, या क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में है लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन हिंदी में भी कर रहा हूँ पूरा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें। तो इसकी देखो स्लेंट हाइट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, टू पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 2.8 मीटर इसकी स्लेंट हाइट हमें दी हुई है। अब देखो हमें स्लेंट हाइट भी क्वेश्चन में दी हुई है कैनवास, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी कि कपड़े की लागत एट द रेट रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सी एस ए का यानी कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πRH प्लस पाई आर एल, और इसका रेट कितना दिया हुआ था 500, तो 500 से कर देंगे फ्रेंड्स इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए फटाफट इसको क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इसमें पाई आर, तो पाई आर को निकालो पहले बाहर, बचा क्या अंदर, बचेगा इसमें 2H प्लस L और मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी 500 से, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी इसमें, आर की वैल्यू थी 2, तो 2 इंटू H की वैल्यू 2.1 प्लस L की वैल्यू कितनी थी इसमें 2.8, और पूरे की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 500 से। तो 22 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो 44 अपॉन 7 इंटू, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें 2.1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4.2 प्लस 2.8 इंटू 500, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तुरंत वीडियो को लाइक करें। 44/7 इंटू में, अब इन दोनों को प्लस कर लो, अब हम प्लस करते हैं 4.2 में क्या प्लस करना है हमको, 2.8, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 7, ठीक है 7 इंटू में 500। अब देखो 7 से कटा 7, बचा क्या 44 इंटू में 500। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, तो 00 तो पीछे है ही और 5 की मल्टीप्लाई कर दो 44 से, ठीक। तो 5 4 20, कैरी कितना बचा 2, और 5 4 40 और 5 4 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, लेकिन ये जो आंसर हमारा किस में आया है रुपीज़ में, इसके पीछे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर मत लिख देना, ये हमने आंसर किस में निकाला है रुपीज़ में, क्योंकि कॉस्ट से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा था। अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई ना करते तो ये हमारा आंसर किस में आता, मीटर में। तो नीचे यहाँ पे लिख भी देना फाइनल आंसर में, कॉस्ट ऑफ कैनवास, क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कितना आया इसमें, ये आंसर आया हमारा रुपीज़ में, रुपीज़ आया 22,000। तो ये हुआ हमारा फाइनल इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी वीडियो के साथ आपके कम से कम होते हैं 3 मार्क्स पक्के, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है एज इट इज़, सभी वैल्यू सेम। और इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर 50 बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो 50 लाइक ही मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी ये सभी वीडियोस को मेहनत से बनाता हूँ। अगर आप बस ऐसी वीडियो को देख के चले जाओगे, लाइक नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ वो सब बेकार जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मिल बाँट के खाने में और अकेले खाने में फ़र्क होता है। मिल बाँट के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और आनंद भी आता है। तो ये चीज़ें अपने दोस्तों तक भी पहुँचें ताकि उन्हें भी इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी ओर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और इसको कई बार गलत भी कर देते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े हो और मुझसे समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, और जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा उसमें से बट्टे बट्टे आप पूरे नंबर लेकर आओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को समझना है, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझेंगे और
वीडियो को लाइक जरूर करना आप। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं हम आगे।